सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूँ उनकी हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या मई 2023 तक उनको मिल जाएगा न्याय? क्या मई से पहले मिलेगा न्याय या मई के बाद मिलेगा न्याय? क्या है मामला, बताएंगे आपको डिटेल में। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस मामले में उनके सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने एक बड़ा खुलासा करा था हाल ही में कि सुशांत सिंह राजपूत ने SHR ने दिशा के जाने के बाद ये क्यों बोला था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दी जाए, दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि सुशांत सिंह राजपूत को मई 2023 से पहले या मई तक न्याय मिल सकता है, क्योंकि CBI के डायरेक्टर जो अभी करंट में है वो है सुबोध कुमार जायसवाल जी। अब कहा जा रहा है कि उनका रिटायरमेंट है मई 2023 में। अगर रिटायरमेंट से पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का वो केस सॉल्व कर देते हैं तो देश में उनका नाम हो जाएगा। नाम तो अभी भी है पर बहुत सारे उनके फैंस बन जाएंगे, चाहने वाले बन जाएंगे और उनको एक और उपलब्धि हासिल हो जाएगी। पर हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिल जाए। अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो इस मामले की जो जांच है वो आगे भी कर सकते हैं। पर अगर बाई चांस उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है या वो एक्सटेंशन नहीं मांगते हैं तो मई 2023 में वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद भी जो नए डायरेक्टर आएंगे तो क्या नए डायरेक्टर सुशांत को न्याय दिलाएंगे या फिर सुबोध कुमार जायसवाल जी अपने रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट तक कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाएगा? अब ये तो देखने वाला विषय है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं और बॉलीवुड को लेकर वैसे भी सवाल उठते आए हैं। और ख़ास करके बात करें तो हाल ही में स्वामी जी ने भी कई बड़े खुलासे करे थे, साथ में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बुक भी लॉन्च हो गई है, हु किल SHR। और साथ में NK सूद जी ने तो पहले ही खुलासा कर दिया कि भैया इस मामले में डी गैंग इन्वॉल्व है। तो कई बड़े खुलासे होते आए हैं इस मामले में। पर इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने जब खुलासा करा था तो उससे बड़ा खुलासा आज तक नहीं हुआ था। वो खुलासा था कि सुशांत ने दिशा के जाने के बाद ये क्यों बोला कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। आपको याद है ये उन्होंने बोला था, अभी हाल ही में बोला था। कब बोला था देखिए, सुशांत ने कहा और ये कहा था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये दिशा की मौत के बाद कहा था सुशांत ने? 9 तारीख के बाद जो नकली कबाज हुई थी आपकी मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। माय एल्डर सिस्टर मितू दी वाज देयर एंड शी हर्ड इट, देन वी वर लाइक कांस्टेंटली टॉकिंग। वो मुझसे बात कर रही थी, मेरे पति से बात कर रही थी, वो बड़ी वाली दीदी और उनके पति से बात थी, वी वर ऑल टॉकिंग टुगेदर। थी आप शॉक भी हो गए कि एकदम से सुशांत ने दिशा की मौत के बाद बोला कि मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आपको ये सुशांत को सिग्नल मिल गया था कि दिशा की मौत इसीलिए हुई है क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचना चाहते थे? तभी एक ये चीज हमारे जहन में तो घुस गई कि कुछ तो बात है, एंड दैट्स व्हाई वी वर प्लानिंग कि आज नहीं, सैटरडे नहीं, संडे को यू विल कम। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या जब CBI के सामने भी इस बात को आपने दर्ज किया था जो आप इस वक्त बता रही हैं कि 8 से 9 के तारीख के बीच में सुशांत ने जब ये कहा था 9 को कि मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, ये तभी आप यानी सब CBI के सामने भी रखा जा चुका है? जी, जब हमारा FIR दर्ज हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस CBI को सौंप दी, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। सबसे पहले परिवार वालों को ही बुलाया गया और हमने एक एक बात बिल्कुल विद प्रूफ्स एंड एविडेंस, विद द टॉक्स दैट वी हैड, विद टेक्स्ट मैसेजेस, सब कुछ शेयर किया हुआ। इनफैक्ट मेरा ओपन ये बात सुनने के बाद आपको याद आ गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा के जाने के बाद ये क्यों बोला कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। क्या दिशा के जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत को कुछ क्लू मिल गया था, कुछ ऐसा मिल गया था कि अब सीधा सुई उन पर आके अटकने वाली थी? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर CBI दे सकती है, एजेंसीज जो जाँच कर रही है वही दे सकती है। अब देखते हैं इस बात का आंसर कब मिलेगा, क्योंकि इस मामले में रूप कुमार शॉ जी के निकलने के बाद ये मामला एक्टिव हुआ था, पर अचानक से एक महीने के अंदर अंदर ये मामला दोबारा से कहाँ जा चला गया है ये कोई नहीं जानता। वहीं पर बात करें तो फिर कोई शख्स निकल के आएगा तो फिर ये मामले की चर्चा न्यूज़ चैनल्स पर होगी और उसके बाद फिर मामला क्या है ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है इस तरीके से तो बात करें तो पता नहीं इस मामले का अंतिम निर्णय कब निकल के आएगा, क्योंकि एजेंसीज अभी तक कहाँ पहुँची हैं, कहाँ तक जाँच कर चुकी हैं, स्टेटस क्या है ये कोई नहीं जानता। वक्त आने पे क्या निकल के आएगा, कब निकल के आएगा ये तो वक्त बताएगा। पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ED हो, NCB हो, CBI हो, तीनों एजेंसी ने जो जांच करी थी वो जांच क्या आज भी कंटिन्यू चल रही है या फिर क्लोज हो चुकी है, अभी तक इसका भी आंसर किसी को नहीं मिला है। तो देखते हैं अंत में क्या निकल के आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।